15 जून 2023 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र की राशि वृषभ से निकलेंगे और अपने मित्र बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये 17 जुलाई तक रहेंगे। ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है, रात में 1:22 के करीब मिथुन में सूर्य का प्रवेश होगा, तो इस राशि परिवर्तन का कैसे प्रभाव मिलेगा आप सभी लोगों को, मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए, आज मैं इसी विषय पर इस वीडियो में बात करूंगी आप सब लोगों से। देखिए, सूर्य का जो राशि परिवर्तन होता है 1 महीने के लिए होता है, लेकिन इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है हर एक व्यक्ति के जीवन के ऊपर। और अब जो सूर्य की स्थिति होगी मिथुन में, ये काफी अच्छी रहेगी कंपेरेटिवली जब वो वृषभ में थे, क्योंकि वहां पर वो शत्रु ग्रह शुक्र के घर में थे। हालांकि वहां पर उनको नक्षत्रों का सपोर्ट मिल रहा था, और अब जब ये मिथुन राशि में आ रहे हैं तो इनके मित्र का घर है। और अपने भाव से अगर कालपुरुष के हिसाब से आप देखते हैं तो सिंह राशि से जो इनकी स्थिति है, 11वें में जा रहे हैं, मतलब कि अपने भाव से ये हर एक व्यक्ति को लाभ करवाएंगे। तो आप लोगों के न्यूट्रल चार्ट में जहां कहीं पर भी जिस भी भाव में आपकी सिंह राशि बैठी हुई होगी, उस भाव से 11वें भाव में सूर्य प्रवेश करेंगे, तो अपने भाव से संबंधित चीजों का ये लाभ देने का पूरा प्रयास करेंगे। और चूंकि सूर्य का जो गोचर होता है वो तीसरे भाव से, छठे भाव से, 10वें भाव से और 11वें भाव से बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, इसलिए जिन भी राशि लग्न को 3, 6, 10 और 11 से सूर्य ट्रांजिट करेंगे तो उनको विशेष रूप से लाभ देखने को मिलेगा। और एक चीज और भी रहेगी कि सूर्य जब मिथुन में प्रवेश करेंगे तो 24 जून 2023 को बुध भी प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में, तब सूर्य को और भी ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी, क्योंकि राशि लॉर्ड भी साथ में आ जाएगा और बुधादित्य योग भी यहाँ पर निर्माण होगा। इसी के साथ साथ जो पूरा ट्रांजिट पीरियड रहेगा, यहाँ पर सूर्य 3 नक्षत्रों से ट्रांजिट करेंगे, जिसमें से मंगल का, राहु का और गुरु का नक्षत्र इनको मिलेगा। मंगल का जो मृगशिरा नक्षत्र है उसके 2 चरणों से ये ट्रांजिट करेंगे, और आर्द्रा के 4 चरण रहेंगे, पुनर्वसु गुरु के 3 चरण रहेंगे। तो जब सूर्य मंगल के नक्षत्र से जाएंगे और गुरु के नक्षत्र से जाएंगे, तो यहाँ पर इनको नक्षत्र का भी सपोर्ट मिलेगा और राशि स्वामी जो बुध है उसका भी सपोर्ट मिलेगा, इसलिए यहाँ पर अच्छे से रिजल्ट देने में सक्षम होंगे सूर्य। जब ये राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो वो स्थिति इनकी थोड़ी सी वीक रहेगी, लेकिन वो जो वीक रहने की स्थिति भी होगी, क्योंकि नक्षत्र इनको सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन तब तक जो बुध ग्रह है वो प्रवेश कर चुके रहेंगे मिथुन राशि में, तो राशि का स्वामी वहां पर आने की वजह से सूर्य को एक स्ट्रेंथ मिलेगी, तो वहां पर भी जो बहुत नकारात्मक रिजल्ट्स हो सकते थे उसमें आप लोगों को कमी देखने को मिलेगी। और आप लोग समझिए कि सूर्य क्या होता है और मिथुन राशि क्या होती है, तो आप रिजल्ट्स को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, सूर्य चूंकि सबसे प्रमुख ग्रह है, इसी के चारों तरफ सारे प्लैनेट चक्कर काट रहे होते हैं, तो जब सूर्य अपना परिवर्तन करता है राशि का तो इसका बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। और ये जो स्थिति रहेगी 11वें होने के कारण भी यहाँ पर बहुत लाभ दे रहा है। और सूर्य राजा है, प्रशासक है, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, ये जहां पर भी रहेंगे उस जगह को बिल्कुल प्रकाशवान कर देंगे, जिस भी भाव में जाएंगे वहां पर एक तरीके से लाइट फैलाते हुए जाएंगे, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। और बड़ा स्वाभिमानी ग्रह होता है, इसको किसी के कंट्रोल में रहना उतना पसंद नहीं है। हालांकि सूर्य बड़े ही विवेकशील और बड़े संयमित ग्रह भी होते हैं, क्योंकि राजा जो होता है बहुत ही गुणवान भी होता है, और राजा के अंदर एक तरीके की जो सहन शक्ति होती है, डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है, ये सारी चीजें भी सूर्य के अंदर होती है, इसीलिए सूर्य बहुत अच्छा मैनेजर भी लोगों को बनाते हैं, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी बनाते हैं। ये सारी क्वालिटी सूर्य के अंदर होती है। पिता के कारक होते हैं, हड्डियों के कारक होते हैं ये, और जो व्यक्ति को आत्मा के कारक ग्रह तो ये होते ही है, मान सम्मान यश प्रतिष्ठा दिलाने वाले ग्रह भी सूर्य ही होते हैं, तो बड़े अच्छे अच्छे इनके पास कारकत्व है। ये सारी चीजों का जो रिजल्ट है ये मिथुन राशि में काफी अच्छे से देंगे। और मिथुन राशि जो होती है कालपुरुष की तीसरी राशि होती है, कम्युनिकेशन का भाव होता है, मेहनत पराक्रम का ये भाव होता है, तो जब यहाँ पर सूर्य आएंगे तो डायरेक्ट वो भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे, धनु राशि के ऊपर उनका आस्पेक्ट जाएगा, तो ये समय जो रहेगा हर एक व्यक्ति के लिए कुछ लर्निंग्स भी लेकर के आएगा, जर्नीज भी देगा, और जो भी आप क्रिएशन से जुड़ करके जो कुछ भी आपके कार्य व्यवसाय होंगे वहां पर भी सूर्य काफी सपोर्ट करेंगे। और अलग अलग राशियों को कैसे प्रभाव देंगे उसको मैं विस्तार से बताऊं, उसके पहले आप सभी व्यवस्था बहुत धन्यवाद बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए,
लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई भी वीडियो मैं डालती हूँ तो आप लोगों को टाइम पे पता चल पाए। ये जो प्रेडिक्शन मैं आप लोगों को दे रही हूँ बहुत ही सामान्य है, ये ट्रांजिट के ऊपर बेस्ड है, जो आज की तारीख पे ग्रहों की स्थितियां हैं उसके ऊपर पूरी तरीके से ये रिजल्ट रहता है। आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा में कौन से ग्रह हैं, क्या क्या उनका सीक्वेंस बन रहा है, उनका अधिक प्रभाव पड़ता है, और ये रिजल्ट आपको तब अधिक देखने को मिलेगा जब आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर में कहीं पे सूर्य ग्रह आ रहे होंगे, बुध ग्रह आ रहे होंगे, या जिन नक्षत्रों से सूर्य ट्रांजिट करेंगे, जैसे कि मंगल है, राहु है और गुरु है, इन सब ग्रहों की दशा अंतर प्रत्यंतर जब होगा तब आपको रिजल्ट और भी अच्छे से देखने को मिलेंगे। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष वालों के लिए क्या हो सकता है आपके लिए। देखिए, जितने भी मेष वाले लोग हैं, आपके लिए जो सूर्य बनते हैं आपके पांचवें भाव के मालिक होकर के थर्ड हाउस में आएंगे, अपने भाव से ये ग्यारहवें भाव में जा रहे हैं, तीसरे भाव में जाकर के सूर्य की स्थिति काफी मजबूत हो जाती है। यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों के अंदर एक जबरदस्त आत्मविश्वास और इसके माध्यम से आपको सारे कार्य आपके सिद्ध होते हुए दिखाई पड़ेंगे। कोई भी आप क्रिएशन से जुड़े हुए, कार्य से जुड़े हुए हैं, जैसे कि राइटिंग है, पब्लिशिंग का काम है, कोई भी आपका टूल टेबल्स, मास मीडिया, आईटी सेक्टर, कोई भी आप पेपर रिलेटेड वर्क से जुड़े हुए हैं, या किसी भी तरह का जो मीडिया से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय होता है, या जो फैशन इंडस्ट्री, जो फिल्म लाइन से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जो मॉडलिंग से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, इन सारे क्षेत्रों के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। जो लोग ट्रांसपोर्ट के कार्य से जुड़े हैं उन सभी लोगों को भी यहाँ पर सूर्य बहुत लाभ दे रहे हो। कहीं ना कहीं आप लोगों को ये कुछ जर्नीज भी देंगे, तो बहुत से लोग इस टाइम पीरियड में अपने एजुकेशन की वजह से, या अपने हायर स्टडीज की वजह से, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई लिखाई, कार्य व्यवसाय, बिजनेस, इन चीजों को माध्यम बना करके सूर्य आपको थोड़ी बहुत यात्राओं के भी अवसर उपलब्ध कराएंगे आने वाले 1 महीने में। बहुत अच्छा ट्रांजिट है आप लोगों के लिए, ये आप लोगों को ये आर्थिक लाभ भी करवा देंगे जब ये मंगल के नक्षत्रों में प्रवेश करेंगे। और इसी के साथ साथ जो लोग रिसर्च से जुड़ करके कार्य करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डाटा एनालिटिक के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े लॉयर्स होते हैं, या जिन लोगों का प्रोडक्शन का काम होता है, उनको भी सूर्य यहाँ पर इनडायरेक्टली काफी सपोर्ट करेंगे जब वो नक्षत्रों को एक्टिवेट करते हुए जाएंगे। काफी अच्छा, एक्सीलेंट आपके लिए ये ट्रांजिट रहेगा, और ये समय रहेगा जब आप लोगों को बहुत सी जर्नीज मिलेंगी और वो यात्राएं भी आपको बहुत लाभ देने का काम करेगी। यहाँ पर मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा सभी कुछ आपको सूर्य दिलवाने का कार्य करेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस से सूर्य का जो गोचर होता है वो बड़े अच्छे रिजल्ट देता है इस वजह से। और आपके लिए अच्छे ग्रह होते हैं सूर्य, योग कारक ग्रह होते हैं, पंचमेश होते हैं, इस कारण से भी अच्छे रिजल्ट करेंगे। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, आपके लिए सूर्य चौथे भाव के मालिक है और आपके सेकंड हाउस में जा रहे हैं। दूसरे भाव से सूर्य का जो गोचर होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन मित्र का घर है तो इस वजह से सूर्य यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर्टी के माध्यम से लाभ करवा देंगे। जिन जिन भी लोगों का काम जमीन जायदाद का है, रियल एस्टेट का है, या जो लोग जमीन जायदाद का क्रय विक्रय करते हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, या जो रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, जिसको खरीदवाने का, बिकवाने का कार्य करते हैं, इन सब चीजों को जरिया बना करके सूर्य आप लोगों को बहुत लाभ देने का काम करेंगे। मतलब कि फाइनेंशियल गेन तो आपको हो जाएगा जब ये नक्षत्रों को, नक्षत्रों से कनेक्शन बनाएंगे, तो व्यापार, बिजनेस और बैंक लोन, इन सब चीजों को भी जरिया बना करके सूर्य आपको यहाँ पर आर्थिक लाभ करवा रहे हैं। और जो भी लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वहां से भी सूर्य आप लोगों को लाभ देंगे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपकी जो वाणी है उसमें किसी तरह का अहम अहंकारी, वो टकराहट, ये सब चीजें ना आने पाए, क्योंकि ये बड़े स्वाभिमानी ग्रह होते हैं, तो वाणी भाव से जाते हैं तो कई बार व्यक्ति की जो भाषा शैली है उसमें थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा जो एक ईगो होता है वो आ जाता है, तो उसकी वजह से संबंध नहीं बिगड़ने पाए। और दूसरा, अपनी आईज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेकेंड हाउस जो होता है आपके कहीं ना कहीं चेहरे को दिखाता है, तो आपको भी होगा कई बार सूर्य प्रभाव दे देता है। फिर भी आर्थिक लाभ आप लोगों को यहाँ पर हो रहा है, प्रॉपर्टी के माध्यम से काफी आपको गेन करा रहे हैं। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। देखिए, जितने भी मिथुन वाले लोग हैं, आपके लिए सूर्य थर्ड हाउस के लॉर्ड होते हैं और लग्न भाव में आ रहे हैं। लग्न से जो सूर्य का गोचर होता है कुछ चीजों के लिए काफी अच्छा होता है। देखिए, आपको मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजों की प्राप्ति करवा देंगे सूर्य यहाँ पर। लेकिन चूंकि ये तेज ग्रह होते हैं, लग्न स्थान पे आएंगे, तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, जैसे फीवर है या हेडेक है, एक तरीके की इरिटेशन से आपको फील होगी, क्योंकि तेज ग्रह है ना, तो जब लग्न भाव में आएगा तो आपके शरीर के ऊपर, आपके मस्तक के ऊपर एक तरह से जलना, या बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होना, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, बाकी आपके व्यापार को, बिजनेस को, इन सारे क्षेत्रों में आपको ये काफी सपोर्ट करेंगे। ये टाइम पीरियड रहेगा जब बहुत से लोगों को प्रॉपर्टी
प्रमोशन, नेम, फेम, प्रसिद्धि, ये सभी दिलवाएंगे। कार्य, व्यापार, बिजनेस, इस सब चीजों का विस्तार करेंगे। आप काफी कॉन्फिडेंस से परिपूर्ण हो जाएंगे, मतलब आपका आत्मविश्वास इतना ज्यादा अच्छा रहेगा कि उसके माध्यम से आपका प्रभाव लोगों के ऊपर काफी अच्छा पड़ेगा। लेकिन इसी के साथ आप ध्यान रखिएगा, जब ये नक्षत्रों को एक्टिवेट करेंगे सूर्य, तो ये क्या हो सकता है आप लोगों के साथ में कि जो आपका जीवन साथी है या बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ संबंधों का जरूर ध्यान रखिएगा। वहां पर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव दे सकते हैं, क्योंकि तेज ग्रह है, सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो पार्टनर के साथ कई बार अहम ईगो की वजह से थोड़े से मतभेद हो सकते हैं। वो उतना बस आप ध्यान रख लीजिए, और थोड़ा स्वास्थ्य स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी आपको सूर्य अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि लग्न स्थान से मान सम्मान यश प्रतिष्ठा भी बढ़ा देते हैं कई बार, या व्यक्ति पहचाना जाने लगे समाज में, सोसाइटी में, ऐसे रिजल्ट आते हैं। और मिथुन के चूंकि राशि और बुध हैं और आपके मित्र होते हैं सूर्य, इस वजह से भी यहाँ पर काफी अच्छी स्थिति रहेगी सूर्य की। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। देखिए, जितने भी कर्क राशि लग्न के लोग हैं, आपके धन भाव के सेकंड हाउस के लॉर्ड होकर के 12वें में ट्रांजिट में आ रहे हैं। 12वें भाव से सूर्य का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन अपने मित्र के घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड रहेगा जब आप लोगों के कुछ पैसे खर्च होंगे। पैसे जो खर्च होंगे, आप हो सकता है कि किसी तरह के इन्वेस्टमेंट के ऊपर पैसे खर्च कर दें, कोई फॉरेन ट्रेवल के ऊपर पैसे खर्च कर दें, या हो सकता है कि हेल्थ रिलेटेड कोई चीजें आपको देखने को मिल जाए, स्वास्थ्य के ऊपर, मदर के ऊपर, या कोई इन्वेस्टमेंट हो जाए, जर्नीज आप कर लें, या बीमारियों के ऊपर, मतलब कि 12th हाउस जिन जिन चीजों को सिग्निफाई करता है, वहां वहां पर आपके पैसे खर्च होने के चांसेस जरूर बनेंगे। लेकिन जिन लोगों का कोई भी कोर्ट केस, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, ये सब किसी से चल रहा होगा, वहां पर ये सूर्य सपोर्ट कर देगा। छठे भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो ये आप लोगों के लिए लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, मुकदमे, इन क्षेत्रों में जो है विजय की स्थितियां निर्मित करवा देंगे। फिर भी आपको अनावश्यक व्यय से अपने आप को बचाना है, अनेसेसरी आपके खर्चे नहीं हो, निरर्थक आप यात्राएं नहीं करिए, और अपनी आईज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपके लेफ्ट आईज को इंडिकेट करता है बार बार जो भाव होता है। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है सूर्य के राशि परिवर्तन का, कुल मिलाकर के ठीक ठाक रिजल्ट है। बहुत एक्सीलेंट तो नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सूर्य जो है 12वें भाव से, 12वां भाव चूंकि मोक्ष का भाव होता है, तो सूर्य जैसा ग्रह जब वहां पर जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करेगा कि आपका जो मन है, रुझान है, वो लोगों की मदद के लिए, चैरिटी के लिए, इन चीजों के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो वहां पर आपको सूर्य अच्छे रिजल्ट दे देंगे। अदरवाइज ये बहुत अच्छा ट्रांजिट तो नहीं होता है 12वें भाव में। फिर भी मित्र के घर में है तो कुछ कुल मिलाकर के जैसे आपको कुछ यहाँ पर हाई स्टडीज से जुड़ करके भी कुछ यात्राएं आपको दे सकते हैं। जब ये नक्षत्रों को एक्टिवेट करेंगे तो चाहे आप उच्च शिक्षा से जुड़ करके, अपने व्यवसाय बिजनेस से जुड़ करके, या फिर अपने स्टडीज की वजहों से भी आप कुछ ट्रेवल कर सकते हैं। यात्राएं आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। ठीक, गोचर कहा जाएगा। फिर सिंह की बात करते हैं। देखिए, जितने भी सिंह राशि लग्न के लोग हैं, आपके लग्नेश ही होते हैं सूर्य 11वें भाव में आ जाएंगे। सूर्य का गोचर 11वें भाव से काफी अच्छा होता है। मित्र के घर में रहेंगे, 24 जून को बुध भी वहां पर आ जाएंगे। तो सिंह के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होने जा रही है कि यहाँ पर आपको जबरदस्त आर्थिक फायदा होने जा रहा है। आपको अपने अधिकारियों से, बड़े भाई बहनों से, फ्रेंड सर्कल के माध्यम से बहुत ही सहयोगात्मक स्थितियां आपके लिए बनेंगी, पैसों की प्राप्तियां होंगी आपके लिए। और ये टाइम पीरियड रहेगा जब बहुत से लोगों को पढ़ाई लिखाई के माध्यम से भी, या किसी तरह का जो शेयर में पैसे लगाए जाते हैं, प्रॉपर्टी में पैसे लगाए जाते हैं, इन सब चीजों को जरिया बना करके भी सूर्य यहाँ पर आपको आर्थिक लाभ करवा देंगे। पिता के माध्यम से आपको यहाँ पर कुछ फायदा हो सकता है, नक्षत्रों को जैसे ही एक्टिवेट करेंगे। और यही टाइम रहेगा जब कुछ लोगों को मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ कुछ लोग नए रिलेशनशिप की ओर भी जा सकते हैं, क्योंकि लग्नेश हो करके आपके एकादश भाव में बैठेंगे और आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो आपकी क्रिएटिविटी को ये बढ़ाएंगे, रिलेशनशिप में भी आपको ले जा सकते हैं, स्पेशली तब जब ये गुरु के नक्षत्रों से ट्रांजिट करेंगे, तो आपका जो 8th हाउस है और 5th हाउस वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो बच्चे लोग जो है पूरा मन लगा करके पढ़िएगा, तो आपको बहुत यहाँ पर सूर्य फायदा करवा रहे हैं, स्पेशली जो लोग रिसर्च से जो करके काम करते हैं, या किसी भी तरह के जो गूढ़ विषय है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सर्जन हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर सूर्य फायदा करवाएंगे। आर्थिक लाभ, मान सम्मान, यश प्राप्ति की प्रतिष्ठा हो रही है। लेकिन जो लेडीज प्रेग्नेंट है, थोड़ा सा अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे, क्योंकि सूर्य तेज ग्रह है, जिनकी सातवीं दृष्टि जाएगी पंचम भाव पे, तो कई बार मिसकैरेज वगैरह हो जाता है, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। लेकिन सूर्य के लिए काफी, सिंह के लिए बहुत ही जबरदस्त ये गोचर रहेगा। हर तरह से आपको पैसे, पैसों की प्राप्ति, मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा मिल रही है। कार्य, व्यवसाय, बिजनेस, सब कुछ आपका यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको मिलेगा। बहुत एक्सीलेंट गोचर है सिंह के बाद। फिर कन्या की बात करते हैं। देखिए, कन्या वालों के लिए क्या हो रहा है, 12वें भाव के मालिक है और 10म में आ रहे हैं।
दसवें भाव से भी जो सूर्य का गोचर होता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत एक्सीलेंट होता है। और आपके लग्नेश के मित्र होते हैं सूर्य, ये भी अच्छी चीज है। सूर्य बुध भी आ जाएंगे यहाँ पर 24 तारीख को, 24 जून को। तो ये सूर्य बुध मिलकर दसम भाव में बुधादित्य योग बना देंगे। तो जो भी लोग नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, स्पेशली जो लोग आईएएस आईपीएस या जो स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, उन सब के लिए तैयारी कर रहे थे, वहां पर काफी चांसेस बनेंगे कि आपको कुछ नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। ये अच्छा हो रहा है, यहाँ पर आपको प्रमोशन, जॉब या किसी भी तरह का जो एक नेम फेम प्रसिद्धि होती है। तो जितने भी लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हैं या जो हायर पोस्ट पे रहते हैं, जो बड़े बड़े सीईओज हैं, एग्जीक्यूटिव जो होते हैं, उन लोगों को बहुत यहाँ पर सूर्य लाभ करवाएंगे, मान सम्मान यश प्राप्ति प्रतिष्ठा करवाएंगे। आपकी फैमिली के अंदर किसी तरह का ये कंस्ट्रक्शन निर्माण के ऊपर पैसे भी खर्च करवा सकते हैं। नक्षत्रों को जब एक्टिवेट करेंगे तो ये टाइम पीरियड रहेगा जब बहुत से लोगों को अपने जॉब की वजह से कुछ जर्नीज देखने को मिल सकती हैं। या ये हो सकता है कि जो लोग सेल्स टू ट्रेवल्स मार्केटिंग के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत यात्राएं देखने को मिलेंगी। और दूसरी चीज क्या रहेगी कि कुछ पैसे खर्च होंगे आपके, या तो आप अपने व्यवसाय बिजनेस के ऊपर पैसे यहाँ पर लगा सकते हैं, एक स्थिति आप लोगों के लिए ये निर्मित हो रही है। और दूसरी स्थिति बनेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने प्रोफेशन में कुछ नए चेंजेस कर लें, या पैसे कुछ आप इन्वेस्ट कर दें बिजनेस के ऊपर। तो थोड़ा सा पैसों का जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे बिजनेस के ऊपर, उसको थोड़ा सा समझ करके करिएगा, बहुत जल्दबाजी में मत करिएगा। क्योंकि जब ये मंगल के नक्षत्रों को एक्टिवेट करेंगे तो आपका एर्थ हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। उस स्थिति में कई बार क्या होता है कि पैसों को अगर आप बिना सोचे समझे खर्च करेंगे तो हो सकता है कि कहीं आगे चल के आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। कोई जॉब आप चेंज करने का सोच रहे हैं, कुछ ऐसे आपके सामने अवसर आ रहे हैं कि आपको लग रहा है कि अचानक से जॉब चेंज कर दे, तो उसको भी बहुत समझ करके तभी करिएगा। क्योंकि 12वें भाव की लॉर्डशिप लेकर के दसम में आ रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होना, ट्रांसफर हो जाना, ये सब स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती है। फिर भी कन्या के लिए जो ओवरऑल स्थिति बन रही है, ये आप लोगों के लिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कार व्यवसाय बिजनेस, इन सारी चीजों को बढ़ाने का काम करेंगे। प्रमोशन मिलेंगे बहुत से लोगों को यहाँ पर, और जो भी लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी काफी यहाँ पर लाभ हो रहा है। दसवें भाव से जब सूर्य आता है तो व्यक्ति को मान सम्मान दिलवाता है, समाज में पहचाना जाने लगता है ऐसा व्यक्ति। करने के लिए काफी एक्सीलेंट स्थिति बन रही है। बस ये है कि थोड़ा सा प्रोफेशन को जल्दबाजी में चेंज मत करिएगा। फिर बात करते हैं तुला के लिए। देखिए जितने भी तुला वाले लोग हैं, आपके 11वें भाव के मालिक होते हैं और 9वें भाव में आ रहे हैं, काफी अच्छी स्थिति है। यहाँ पर आपको लाभ होगा। लाभ किससे हो रहा है? पिता के माध्यम से, अपनी हायर स्टडीज वगैरह की जरिया बना करके यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ अच्छे गेन्स भी करवाएंगे सूर्य। क्योंकि 9वां भाव भी जो होता है 10वें भाव के बिल्कुल पास का भाव होता है, तो यहाँ पर भी सूर्य अच्छे रिजल्ट दे देते हैं। काल पुरुष में यहाँ पर चूंकि गुरु का घर होता है, तो 9वें भाव से भी ये हालांकि कारक ही माने जाते हैं सूर्य 9वां भाव के, तो कारको भाव नाशक के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स की संभावना रहती है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर कम मिलते हैं। पिता का काफी आपको सपोर्ट मिल जाता है। तो जो भी लोग टूर ट्रेवल्स मास मीडिया इन क्षेत्रों से जुड़ करके कार्य करते हैं, किसी भी तरह के क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, चाहे आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपका पब्लिशिंग का काम है, आप कुछ बोलने वाला काम करते हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, या आप किसी भी तरह के इंटरटेनमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, गेम्स से, हर जगह आपको सूर्य यहाँ पर लाभ करवा रहे हैं। नक्षत्रों को जब एक्टिवेट करेंगे तो आपको कुछ यात्राएं भी देंगे, अपने व्यापार बिजनेस से जुड़ करके काफी आपको यहाँ पर जर्नीज मिलेंगी। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल गेन भी करवाएंगे, कुछ ना कुछ आपको पैसों की प्राप्तियां होंगी इस सूर्य के ट्रांजिट में। कार्य व्यवसाय बिजनेस, इन सब चीजों का विस्तार होगा। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं या लोन वगैरह के लिए जो ट्राई कर रहे होंगे, तो जब सूर्य गुरु के नक्षत्र से जाएंगे, पुनर्वसु के नक्षत्र से, उस समय पर आपको लोन वगैरह भी मिल सकता है, अच्छा गोचर कहा जाएगा आपके लिए। और चूंकि आपके इनकम के मालिक होके, 11वें के मालिक होकर के डायरेक्ट ये 9वें में बैठ के तृतीय भाव को एक्टिवेट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपके अपने कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से बहुत तरह तरह से आपको लाभ यहाँ पर सूर्य देंगे, अच्छा गोचर कहा जाएगा तुला के लिए भी। हालांकि आपके लग्नेश के मित्र नहीं होते हैं, फिर भी इनके पास जो हाउस है वो काफी अच्छा है। तुला के बाद बात करते हैं वृश्चिक के लिए। देखिए जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, आपके 10वें भाव के लॉर्ड होते हैं सूर्य और आ रहे हैं अपने से 11वें भाव में, 8वें भाव में, तो जितने भी लोग रिसर्च से जुड़ करके कार्य करते हैं, आप कोई डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, या आप साइंटिस्ट हैं, डाटा एनालिटिक का कार्य करते हैं, कोई भी गूढ़ विषय, जमीन के अंदर की जो चीजें हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए आप बड़े बड़े जो क्रिमिनल के लॉयर्स होते हैं या जो बहुत अच्छे सर्जन होते हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए तो यहाँ पर सूर्य बहुत लाभ देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चूंकि सूर्य
प्रकाश देते हैं, जिस भी भाव में जाएंगे उस भाव को प्रकाशित कर देंगे। तो अष्टम भाव से जिन चीजों का विचार किया जाता है, अगर आपका कार्य क्षेत्र ही उन चीजों से जुड़ करके है, तब तो आपको सूर्य यहाँ पर बहुत लाभ कर देंगे। अदरवाइज आप अपने जॉब में किसी तरह के अचानक से बदलाव मत करिएगा, जॉब को चेंज करने का बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय मत करिएगा, क्योंकि आठवां भाव जो होता है वो सडन इवेंट्स देता है। तो दसवीं के मालिक होकर के अपने भाव से तो एकादश में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने व्यवसाय बिजनेस के माध्यम से लाभ की स्थितियां जरूर निर्मित कराएंगे, लेकिन जिस भाव में सूर्य आ रहा है वो भाव अष्टम है, अचानक वाला भाव है। तो अगर आप सामान्य नौकरी कर रहे हैं, सामान्य बिजनेस कर रहे हैं, तो बड़े बदलाव मत करिएगा। और रिसर्च से जुड़ करके कार्य है, या कोई भी जो शोध के कार्य होते हैं, कोई भी ऐसा कार्य जिसमें बहुत ज्यादा एनालिसिस करनी है, किसी तरह का आपको बिल्कुल लेख से हट करके कुछ आपको बना करके लेकर के आना है, ऐसा कुछ अगर आपका कार्य है तो आपको यहाँ पर सूर्य लाभ कर देंगे। द्वितीय भाव के ऊपर देखेंगे तो थोड़ा सा आपकी वाणी को प्रभावशाली करेंगे, थोड़ा आपको बोल चाल का ध्यान रखने की यहाँ पर आवश्यकता रहेगी। लेकिन ये समय रहेगा वृश्चिक वालों के लिए जब आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, हालांकि पैतृक संपत्ति वगैरह से आपको ये लाभ करवा देंगे, अचानक से पैसों की प्राप्तियां भी करवाएंगे, लेकिन किसी भी तरह का अगर आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, पहले से चल रही है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप ये छठवें भाव के भी मालिक होते हैं और अपने से तृतीय भाव मतलब कि एक तरीके से विपरीत राजयोग जैसी भी स्थिति यहाँ पर सूर्य निर्मित कराएगा। आपके छठे भाव में मंगल की राशि होती है, तो जब ये मंगल के नक्षत्रों से जाएंगे तो लग्नेश आपके लग्न भाव को छठे भाव से जुड़कर के रिजल्ट देना शुरू करेंगे, तो वहां पर आपको थोड़ा स्वास्थ्य वगैरह का ध्यान भी रखने की आवश्यकता रहेगी। ओवरऑल वृश्चिक के लिए ठीक ठीक सा ये गोचर रहेगा, यहाँ पर ना आपको बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं ना ही बहुत ज्यादा आपको गेन्स हो रहे हैं, तो सावधानी के साथ में रहिएगा, आईज वगैरह का ध्यान रखिएगा, हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना रहेगा। बाकी जो भी लोग रिसर्च से जुड़ करके कार्य करते हैं, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पूरा मन लगा करके पढ़िएगा, क्योंकि आपके सेकेंड हाउस के और आपके फिफ्थ हाउस के भी लॉर्ड होते हैं गुरु, जब गुरु के नक्षत्र से जाएंगे तो उसका भी इनको रिजल्ट देना रहेगा। तो ओवरऑल जो आपके लिए स्थितियां बन रही हैं, जो मैंने पीछे बताया रिसर्च गुण विषय शोध, इन कार्यों से तो लाभ देंगे, अदरवाइज औसत गोचर कहा जाएगा। फिर बात करते हैं धनु के लिए। देखिए जितने भी धनु राशि लग्न के लोग हैं, आपके भाग्य भाव के मालिक होते हैं गुरु, और आएंगे सप्तम भाव में, अपने से एकादश भाव में जा रहे हैं। सातवें भाव से सूर्य का गोचर बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे। जब सूर्य आपके लग्न के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो पहला काम करेंगे आपके अंदर बड़ा आत्मविश्वास ही पैदा करने का कार्य करेंगे। आपका जो जीवन साथी है उसके लाइफ में कार्य व्यवसाय बिजनेस इन सब चीजों को उसको काफी सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, उसके लाइफ में अच्छे अच्छे इवेंट्स होंगे, मतलब उसका जो भाग्य है उसमें आपको एक मजबूती देखने को मिलेगी, या आपके आपके लाइफ में के पार्टनर का काफी सपोर्ट हो जाए, ऐसी स्थितियां आपके लिए बनेंगी। भाग्य भाग्य का आपको यहाँ पर काफी सपोर्ट मिल रहा है, पिता के द्वारा आपको काफी सहयोग मिल रहा है, आपका जो कार्य व्यवसाय बिजनेस वगैरह है उन सब चीजों को यहाँ पर सूर्य बढ़ाने का कार्य करेंगे। और इसी के साथ साथ जो आपका प्रोफेशन है उसको भी ये एक्टिवेट करेंगे, ये एक अच्छी चीज हो रही है, व्यापार बिजनेस को बढ़ाएंगे। कुछ लोगों को ये सूर्य का गोचर प्रमोशन भी दिलवा सकता है, ये एक अच्छी चीज है आप लोगों के लिए। और जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं उनके लिए पूरा मन लगा करके आप पढ़िए, तो आपको यहाँ पर लाभ भी होगा। कुछ लोग नए रिलेशनशिप वगैरह में होंगे तो मैरिज जैसी चीजों के लिए भी आपका मन जा सकता है, और इसी के साथ साथ कुछ पैसे भी आपके खर्च होंगे, और वो खर्च पैसे आप करेंगे या तो अपने व्यापार बिजनेस को बढ़ाने में, या अपने पार्टनर के ऊपर आप पैसे खर्च करेंगे, चाहे आप उसको उसको कहीं घुमाने ले जाएं, उसके स्वास्थ्य के ऊपर खर्च कर दें, या कुछ ना कुछ अपने पार्टनर के ऊपर आपको पैसे खर्च करने के योग बन रहे हैं। इसी के साथ साथ जो सूर्य है आपको प्रॉपर्टी जमीन जायदाद व्हीकल जो आप स्वयं हैं सब चीजों को जरिया बना करके आपको सूर्य यहाँ पर लाभ भी देंगे। ये सारी जो मैं प्रिडिक्शंस आपको देती हूँ ये केवल ग्रह के भाव स्थान के ऊपर ही नहीं देती हूँ, बल्कि वो नक्षत्रों को कैसे बढ़ाते हुए परिणाम देते हैं उन सब चीजों को मैं कैलकुलेट करके फिर आपको रिजल्ट देती हूँ। आपके लिए एक ध्यान रखना होगा, चूंकि सूर्य तेज ग्रह होता है और सप्तम भाव से जब इसका ट्रांजिट होता है तो ये कई बार पार्टनर के साथ में डिस्प्यूट देता है, तो थोड़ा सा अपने अहंकार को और जो आपका सूर्य की जो गर्मी होती है, सूर्य का जो तेजपन होता है, सूर्य का जो एक ईगो होता है, वो सब चीजों को आप अपने पार्टनर के ऊपर मत थोपिएगा, मतलब कि पार्टनर के ऊपर उन सब चीजों का, सूर्य के इन गुणों का जो उपयोग है उसका इम्प्लीमेंटेशन आप अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल मत करिएगा, अदरवाइज पार्टनर से डिस्प्यूट होंगे, इस तरह से समझिए।
बाकी आपको लाभ हो रहा है दुनियादारी के हिसाब से, फाइनेंशियल प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य आपको सातवें भाव में आके लाभ देंगे, लेकिन संबंधों का ध्यान रखना रहेगा। फिर बात करते हैं मकर के लिए। देखिए जितने भी मकर वाले लोग हैं, आपके लिए सूर्य आपके आठवें भाव के मालिक होते हैं और छठे भाव में आ रहे हैं। छठवें भाव से सूर्य का गोचर बड़ा एक्सीलेंट होता है, लेकिन जो आपका राशि लॉर्ड शनि है उससे सूर्य की कोई बहुत अच्छी मित्रता होती नहीं है, और शनि भी जो है 17 जून को वक्री हो जाएंगे आपके द्वितीय भाव में। तो शनि से जो सूर्य की स्थिति है वो तो नवम पंचम है, तो वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और छठे भाव से जब सूर्य का ट्रांजिट होता है तो ये नौकरी की दृष्टि से बड़ा अच्छा होता है। जितने भी लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब में जाना चाह रहे हैं, कोई नई सर्विस ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए सूर्य यहाँ पर बहुत लाभ करेंगे, बहुत सपोर्ट कराएंगे, सरकार से आपको लाभ दिलवाएंगे, नई जॉब आपको मिल सकती है, जॉब चेंजिंग जैसे इवेंट्स हो सकते हैं। इस टाइम पीरियड में जो भी आपके शत्रु पक्ष के लोग हैं उनको आप परास्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आकर के शत्रुघ्नता योग बनाते हैं सूर्य, तो आप अपने बुद्धि बल चातुर्य से जो है अपने शत्रुओं के ऊपर हावी हो सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी मकर वाले लोग हैं, बहुत से लोगों को यहाँ पर अपने एजुकेशन की वजह से या अपने कोई ना कोई कुछ ऐसे जरिया बनेंगे, चाहे हायर स्टडीज के कारण या ऐसे ही कहीं आप दूर घूमने जाएं, ऐसी भी स्थितियां आप लोगों के लिए सूर्य देंगे। विदेशों से आपको लाभ भी दिलवा सकते हैं सूर्य, यहाँ पर कुछ पैसे भी आपके खर्च होंगे तो जो आपके ट्रेवल के ऊपर हो सकते हैं या हायर स्टडीज के ऊपर हो सकते हैं। ये सूर्य आप लोगों से कुछ इन्वेस्टमेंट भी करवा सकते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी व्हीकल ऐसी चीजों के ऊपर आप कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं, तो उसका भी आपको लाभ मिल सकता है। शत्रुओं के ऊपर आप काफी विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अष्टम के मालिक होकर के छठे में जा रहे हैं, एक तरह से विपरीत राजयोग जैसी स्थितियां निर्मित होंगी, तो जो भी शत्रु पक्ष आपके पहले से हैं तो वो तो आपके सॉल्व होंगे, मतलब कि उनसे आप अच्छे से फाइट कर सकते हैं, लेकिन नया नया कुछ भी मत क्रिएट करिएगा। हेल्थ में अगर आपको कुछ भी दिक्कत है थोड़ा सा डॉक्टर को दिखाइएगा, टाइमली उसको नोटिस कर लीजिएगा, क्योंकि लग्नेश वक्री हो रहा है तो आपको ऑलरेडी स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। लग्नेश वक्री का मतलब ही होता है कि अब वो आपकी पूरी पहचान की पूरे व्यक्तित्व तो को एक बार हिलाने का झकझोरने का काम करता है, मतलब कि आपको कुछ इस तरह के सर्कमस्टेंसेस में डाल सकता है कि वहां जाकर के जो आपके अंदर की इनर एबिलिटीज हैं आप उनको उपयोग करना सीखें। वैसे भी शनि बड़े प्रैक्टिकल ग्रह होते हैं, तो जातक को काफी हार्डशिप से वो गुजारते हैं, और उसके बाद उसको फिर वो मैच्योर करते हैं, उसको लेसन्स देते हैं, इस तरीके से आप समझिए। ओवरऑल मकर के लिए काफी अच्छा गोचर है, नौकरी से लाभ हो रहा है, कार्य व्यवसाय बिजनेस इन सब चीजों में आपको काफी सपोर्ट करेंगे सूर्य, शत्रुघ्नता योग आपके लिए बनाएंगे, एक्सीलेंट गोचर कहा जाएगा मकर के लिए। फिर बात करते हैं कुंभ के लिए। देखिए जितने भी कुंभ राशि लग्न के लोग हैं, आपके सातवें भाव के मालिक होते हैं और आ रहे हैं आपके पंचम भाव में, पांचवें भाव से देखिए जो सूर्य का गोचर होता है कुल मिला के ठीक होता है। काल पुरुष में यहाँ पर इनकी खुद की राशि होती है सिंह राशि, तो वहां पर जब ये आएंगे तो आपके रचनात्मकता को ये बढ़ा देंगे, क्योंकि सूर्य बहुत ही क्रिएटिव प्लेनेट है, इन्हीं की वजह से तो सृष्टि का निर्माण हुआ है। सूर्य न हो तो कुछ भी न हो, इसीलिए सूर्य को सबसे बड़ा क्रिएटर कहा जाता है, आत्मा के कारक ग्रह है। इसमें पे होगा क्या कि कुछ लोग जो किसी तरह की रिलेशनशिप वगैरह में है या जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनका अपने पार्टनर के साथ में बड़ा अच्छा मन मिलने लगेगा, मतलब कोई डिस्प्यूट वगैरह रहा होगा, वाद विवाद रहा होगा, तो इस समय पर आपको ये जो 1 महीने का टाइम पीरियड है आपको अपने पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी, आपका मन करेगा कि आप अपने पार्टनर के साथ में बड़े अच्छे से रहें, बड़े प्रेम से उससे प्रेम के साथ में उसके उससे रहें, ऐसी कुछ स्थितियों का निर्माण करेंगे सूर्य। लेकिन सूर्य ऑलरेडी है तो तेज ग्रह ही, तो ये क्या करेंगे कि जो लोग रिलेशनशिप में है थोड़ा सा ईगो का ध्यान रखिएगा, कि किसी अहम की वजह से, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर की वजह से आपका आपका अपने जो आपके अफेयर्स हैं उसमें कोई ना दिक्कत आने पाए, या फिर जो आपका पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ कोई रिलेशनशिप को लेकर के कोई दिक्कत नहीं आने पाए, थोड़ा ईगो को कंट्रोल में करके रखिएगा, तो सूर्य आपको यहाँ पर लाभ देंगे। सरकार से आपको बहुत लाभ करवाएंगे, गवर्नमेंट है अथॉरिटी इन सब चीजों से लाभ करवाएंगे, मान सम्मान यश प्राप्ति की प्रतिष्ठा करवाएंगे, और सबसे अच्छी चीज क्या हो रही है कि आपके कार्य व्यवसाय बिजनेस को भी यहाँ पर बढ़ाएंगे। विशेष रूप से जो लोग शेयर ट्रेडिंग का कार्य करते हैं, किसी भी तरह का आपका रचनात्मक कार्य है, आप कोई भी क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, तो वहां पर सूर्य आपको बहुत लाभ देंगे, और यहाँ पर सूर्य आपके लिए प्रमोशन की स्थितियां भी निर्मित करवा सकते हैं, क्योंकि एकादश भाव जो होता है वो मान सम्मान यश प्राप्ति प्रतिष्ठा भी दिलवाता है, तो हो सकता है कि जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के माध्यम से सूर्य आपको कुछ यहाँ पर अच्छा गेन करवा दे, फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है और यश प्राप्ति भी हो सकती है, तो काफी अच्छा कहा जाएगा कुंभ के लिए भी। लेकिन जो लेडीज प्रेग्नेंट है अपने बच्चे का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य तेज ग्रह होता है, पंचम में जब आते हैं तो कई बार
एक एबॉर्शन जैसी स्थितियों का भी निर्माण कर देते हैं। बच्चों के साथ तालमेल बनाइएगा, जो बच्चे पढ़ाई करने पूरा मन लगा करके पढ़िएगा और आपको सूर्य यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देंगे। ओवरऑल कुंभ के लिए भी ठीक कहा जाएगा। फिर बात करते हैं मीन के लिए। देखिए मीन वालों के लिए सूर्य आपके छठवें भाव के मालिक होते हैं और आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। चौथे भाव से सूर्य का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर बैठ करके, चूंकि छठवां भाव नौकरी का होता है, दसवां भाव भी नौकरी का होता है, इन दोनों की लॉर्डशिप लेकर के जब चतुर्थ में पहुंचेंगे तो दृष्टि संबंध बनाएंगे आपके दसवें भाव से। तो जो भी लोग नौकरी के लिए प्रयासरत थे, गवर्नमेंट नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में, जो लोग ट्राई कर रहे थे IAS IPS या जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं, उन क्षेत्रों में बहुत से लोगों को फायदा यहाँ पर हो सकता है। मतलब कि आपको सूर्य कोई जॉब दिलवा दें, किसी कंपटीशन में आपको सक्सेस दिलवा दें, इस तरह की गतिविधियां आपके साथ में होंगी, प्रमोशन हो जाए आपका, या कुछ भी आपको अपने वर्क प्लेस में कुछ, आपको सूर्य कुछ प्रसिद्धि दिलवा दें, अपने बॉसेस के साथ में कुछ आपको लाभ जैसी स्थितियां निर्मित करा दें। मतलब कि कार्य व्यवसाय बिजनेस प्रोफेशन में आपको यहाँ पर सूर्य बहुत लाभ करवा रहे हैं। लेकिन दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है कि सूर्य चूंकि तेज ग्रह चौथे भाव में आ रहे हैं, तो मदर की सेहत का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मदर के साथ कोई वाद विवाद नहीं होने पाए, कलह क्लेश नहीं होने पाए, या फिर जो आपके घर का जो पूरा अंदरूनी वातावरण होता है, जो सौहार्द होता है परिवार का, उसमें तो कुछ उतार चढ़ाव नहीं होने पाए। फैमिली मेंबर्स आपस में एक दूसरे से थोड़ा सा नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, इस तरह के जो सर्कमस्टेंसेस बनते हैं, उन चीजों से आपको बचाव करना है। मदर की सेहत का स्पेशली आप लोग ध्यान रखिएगा, उनको स्वास्थ्य में कोई भी दिक्कत हो तो टाइमली दिखा लीजिएगा। और नौकरी की दृष्टि से यहाँ पर सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप लोगों को दे रहे हैं, ये एक बड़ी अच्छी चीज है मीन वालों के साथ में। और इसी के साथ साथ जो आपका लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसकी लाइफ में भी कुछ अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का, व्हीकल का, जमीन जायदाद का, इन चीजों का भी आपको लाभ करवा सकते हैं, क्योंकि बुध आ जाएंगे यहाँ पर साथ में, तो दोनों ग्रह मिलकर के आपको काफी अच्छे से रिजल्ट देंगे। सिर्फ मदर की सेहत का ध्यान रखिएगा, मदर के साथ संबंधों का ध्यान रख लीजिएगा। इस तरह से मेष से लेकर के मीन लग्न राशि वाले जितने भी लोग हैं, आप लोग के लिए सूर्य जो है काफी अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि ये अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, मित्र के घर में जा रहे हैं, अपने भाव से 11वें भाव में जा रहे हैं, तो काफी अच्छी स्थिति कही जाती है ये। सूर्य से आप कैसे और अच्छे रिजल्ट लें, इसके लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि सूर्य को मजबूत करिए। अगर आपके नेटल चार्ट में सूर्य अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप उनको और प्रसन्न कर सकते हैं सूर्य के मंत्रों का जप करके। ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य को जल दे दीजिए लोटे में, तांबे के लोटे में भर के, जैसे उसमें रोली डाल लीजिए, लाल वाला अक्षत डाल लीजिए, लाल पुष्प वगैरह डाल के आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, मतलब कि उनको जल दे सकते हैं, सूर्य के मंत्रों का जप कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्रोत सुन सकते हैं, पिता को बहुत ज्यादा मान सम्मान दीजिए, पिता की सेवा करिए, पिता को बिल्कुल भी मतलब दुखी मत करिए, नाराज मत करिए, या पिता जैसे जितने भी संबंध होते हैं, चाचा है, ताऊ है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं आपके रिश्ते में, उन लोगों का मान सम्मान करिए, उससे भी सूर्य बहुत प्रसन्न होता है। और इसी के साथ साथ सूर्य चूंकि गवर्नमेंट को दिखाता है, तो आप अपना कोई भी काम है उसको अच्छे से करिए, ईमानदारी से करिए, टैक्स की चोरी कभी मत करिए, जो लोग पैसों से को इधर उधर करते हैं, गबन करते हैं, इन कार्यों से बचा करके रखिए, तो उससे भी सूर्य अच्छा होता है। ऐसे छोटे छोटे रेमेडीज करिए, और बुध को भी अच्छा करिएगा, क्योंकि बुध के ही घर में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, तो सूर्य अपना रिजल्ट देने के लिए टोटली फ्री नहीं होते हैं, जिसके घर में जाते हैं ना उसके अनुसार काम करना पड़ता है। तो बुध जब अच्छा रहेगा तब सूर्य और अच्छे से रिजल्ट कर पाएंगे। तो बुध को अच्छा करने के लिए ओम ओम बुधाय नमः के मंत्रों का जप कर सकते हैं। जितनी भी आपकी बहनें हैं, मामी हैं, जिस तरह के रिश्ते होते हैं, बहन मामी इस टाइप के जो रिश्ते होते हैं, उन लोगों को मान सम्मान करिए, और जो गाय होती है उसको आप हरा चारा खिला सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे उपाय करके आप अच्छे लाभ ले सकते हैं, और ये बहुत ही सामान्य गोचर के ऊपर जो प्लेनेटरी स्थिति बन रही है उसके ऊपर मेरा प्रेडिक्शन है, तो आप लोग सामान्य तरीके से ही लीजिएगा। आपके इन महादशांतर प्रत्यंतर में कौन से ग्रह चल रहे हैं, योग कारक हैं, कारक हैं, कैसे वो नेटल चार्ट में प्लेस्ड हैं आपके, उन सब चीजों का अधिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये ट्रांजिट के प्लेनेट है, तो ये भी थोड़ा बहुत आपके लाइफ को प्रभावित करते हैं। और सूर्य चूंकि आत्मा का कारक ग्रह है, तो सबको बहुत अच्छे से सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत रहती है। और आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, इससे आप कुछ लाभ लेंगे, पूरे महीने को आप प्लान कर पाएंगे। तो फिर कोई वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी, और आप लोगों के सपोर्ट के लिए एक बार फिर से बहुत धन्यवाद बोलती हूँ। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए, कि जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को मिल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।